हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस बुक का, चैप्टर 5 लर्निंग। और लर्निंग में शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग से। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है? इन जनरल हमें पता है कि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसको हम लर्निंग बोलते हैं। तो द टर्म लर्निंग इज़ वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट हुज मीनिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। सबको पता है कि लर्निंग क्या होता है, लेकिन अगर हम एक्चुअली इसको वर्ड्स में डिफाइन करें सो लर्निंग क्या हो जाता है? लर्निंग इज़ एनीथिंग एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाता है ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, या तो प्रैक्टिस से या एक्सपीरियंस से, या तो हम खुद से प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, लर्न करते हैं, या फिर हमें अपना एक्सपीरियंस सिखा देता है। तो इन चीज़ों से जब रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है हमारे बिहेवियर में, उसको लर्निंग बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन का कोई पार्ट है जो फिजिकली चेंज हो जाता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, जो हमारी लर्निंग हुई है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, जो जिसको हम मेमोरी भी बोलते हैं, मेमोरी बनाने के लिए हमारे ब्रेन का कोई फिजिकल पार्ट है जो चेंज होता है, इसलिए परमानेंट चेंज बोला है, रिलेटिवली परमानेंट। ठीक है, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं वो चीज़, लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक जो हमें याद रहती है वो चीज़, इसका मतलब हमारे माइंड में कोई ना कोई मेमोरी या कुछ ऐसी चीज़ तो क्रिएट हुई है जिसकी वजह से वो हमें याद है काफ़ी टाइम तक। तो इसलिए इसको रिलेटिवली परमानेंट चेंज बोला हुआ है। एज फॉर द इंक्लूजन ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इन द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, थिंक अबाउट द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग दैट कॉज यू लॉट ऑफ पेन। तो ये बता रहे हैं कि कैसे लर्निंग में इन्होंने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस को क्यों इंक्लूड किया है। जैसे आपने लास्ट टाइम किसी चीज़ से आपको बहुत पेन हुआ हो, तो आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस हुई है कि अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मुझे पेन होगा, तो या फिर मेरे साथ ख़राब होगा, तो आप वो चीज़ लर्न कर लेते हो कि हमें वो चीज़ दोबारा नहीं करनी। जैसे बच्चे सीखते हैं कि गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगानी, तो वो उनका एक्सपीरियंस है जिससे उन्हें याद हो जाता है। ऐसे जब हम कोई चीज़ बार बार प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को बोलना, तो हमें वो चीज़ याद हो जाती है। अब यहाँ पे दो कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ हैं। एक तो होता है मैचुरेशन, लर्निंग एंड मैचुरेशन दो चीज़ें हम बोलते हैं ना। तो मैचुरेशन क्या होता है? जैसे हमारा ब्रेन जब चेंज होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे ब्रेन का जैसे अगर बोले साइज हाइट ये सब चेंज हो रहा है, जो बायोलॉजिकल है, टोटली जेनेटिक है, तो उसको हम मैचुरेशन बोलेंगे, जो बायोलॉजिकली हो रहा है, जहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। जैसे अगर कोई बच्चा चलना सीख रहा है तो वो उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए वो चलना सीख रहा है। तो वो हो गया मैचुरेशन, जो टोटली हमारे बायोलॉजिकल ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है, उसको मैचुरेशन बोलते हैं। जबकि लर्निंग में क्या है, हमें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस चाहिए होती है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग इसमें सबसे पहले आ गई। लर्निंग का जब भी चैप्टर आता है तो सबसे पहले हमें कंडीशनिंग याद आती है, क्योंकि कंडीशनिंग भी जो वर्ड है वो लर्निंग के ही सब्स्टिट्यूट में यूज़ किया जाता है। किसी को कोई चीज़ याद करा दिया तो हम कहते हैं ना, इसको कंडीशनिंग कर दी है, इसकी कंडीशनिंग हो गई है, उसको याद हो गया है। सो यहाँ पे अगर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हुई है तो एक नाम आपको जट से याद आना चाहिए, इवान पावलोव का। यही थे इन्होंने जिनको डॉग्स के ऊपर, डॉग्स का सलाइवा के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग का पढ़ने के लिए। तो ये लर्निंग कैसे होती है, कंडीशनिंग कैसे होती है, ये आपने एक्सपेरिमेंट बहुत बार पहले पढ़ा भी होगा। सो स्टडिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम इन डॉग्स, पावलोव एक्चुअली ये फिजियोलॉजिस्ट थे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे थे डॉग्स का। तो उन्होंने ये नोट किया उस टाइम के, जब डॉग को एक स्लाइवा, जब हम उनका मुंह से जब स्लाइवा आता है, जब हम उसको फूड प्रेजेंट करते हैं तो उनके मुंह से एक स्लाइवा आता है, मतलब जैसे लार टपकती है ना, देख के पानी आता है मुंह में। तो उनको ये चीज़ इन्होंने नोटिस की कि व्हेन फूड इज़ प्लेस इन द माउथ ऑफ एनी एनिमल, द स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट रिलीजिंग स्लाइवा टू हेल्प विथ चूइंग एंड डाइजेशन। अब ऐसा हमारे साथ भी होता है, हम खाना खा रहे हैं तो हमें स्लाइवा की ज़रूरत होती है चूइंग करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए खाना। यही चीज़ उन्होंने वो स्टडी कर रहे थे उसमें भी, एनिमल्स में भी। तो इसको उन्होंने बोला ये नॉर्मल एक रिफ्लेक्स है, नॉर्मल रिफ्लेक्स है जिसके लिए हमें सोचना नहीं होता, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, अनलर्न्ड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, जो अपने कंट्रोल में, अपने चॉइस में नहीं होता। मतलब हम जब खाना देखेंगे तो स्लाइवा प्रोड्यूस होगा ही, क्योंकि वो हमारे को खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये एक रिफ्लेक्स है जो बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस में होता है।
So, a stimulus can be defined as an object, event or experience that cause a response or the reaction of an organism. तो यहाँ पे इन्होंने food को stimulus बना दिया, जिसको देख के response होता है, और response मतलब हमारे मुँह में जो saliva आता है, salivation होता है. तो दो words यहाँ पे नए आ गए, एक आ गया stimulus, एक आ गया response. तो stimulus मतलब ये कह रहे हैं कि वो चीज़ है जिसकी वजह से कोई event हो रहा है, और रिस्पॉन्स है जो उसका रिएक्शन है उस इवेंट का. तो यहाँ पे जो फूड है वो स्टिमुलस हो गया क्योंकि उसको देख के सलाइवा आ रहा है, और सलाइवेशन जो हो रहा है वो रिस्पॉन्स हो गया. ठीक है, अब आगे चलते हैं. सो पेवलोव सून डिस्कवर्ड दैट हिज डॉग बिगेन सेलिवेटिंग व्हेन दे वरंट सपोज टू बी सेलिवेटिंग. सम डॉग्स वुड स्टार्ट सेलिवेटिंग व्हेन दे सॉ द लैब असिस्टेंट ब्रिंगिंग देयर फूड. तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत जो है डिस्कवरी बहुत करी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, कि उन्होंने ये देखा कि नॉर्मली जब खाना आता है तब तो रिफ्लेक्स एक्शन होता ही सलाइवा आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जैसे ही वो अपने लैब असिस्टेंट को खाना ले जाते हुए देखते थे, वो डॉग्स के मुंह में पहले ही सलाइवा आना शुरू हो जाता था. उनको देख के पता चल जाता था कि खाना आ रहा है, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना उनका, वो उसका टाइम जो है पहले ही स्टार्ट हो जाता था, मतलब पहले ही सिलाई आना लग जाता था लैब असिस्टेंट को देखते ही कि वो हाथ में कुछ ला रहा है, वो खाना होगा, उसके हाथ में बोल है खाने का. सो ये चीज़ उन्होंने फिर आगे स्टडी करी कि ऐसा क्यों हुआ, खाने को देख के सिलाईवा आ रहा था, चलो वो तो रिफ्लेक्स है ही है जो सब में होता है, लेकिन खाने से पहले किसी और चीज़ को देख के अगर सिलाईवा मुँह में आ रहा है तो वो क्या चीज़ है, वो किस चीज़ का रिस्पॉन्स है. तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्टडी करी, और इस स्टडी को इन्होंने नाम दे दिया क्लासिकल कंडीशनिंग. अब इसके क्या एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. तो पहली चीज़ तो जो पता होनी चाहिए हमें एलिमेंट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ हुई थी एक्सपेरिमेंट में, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस. अनकंडीशन्ड स्टिमुलस का मतलब है ऐसी चीज़ जो मतलब कुछ नेचुरली हमें देख के, जिसको देख के हम रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे इस केस में खाना था, जो नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस है, जिसको देख के रिस्पॉन्स करते हैं हम, जिसको हमें सीखना नहीं पड़ा, वो हमारे अंदर नेचुरल है, अनकंडीशनड है, लर्न्ड नहीं है, अनलर्न्ड है. तो इसलिए वो अनकंडीशन स्टिमुलस है. खाना क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड. दूसरा है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, और खाने को देख के हमारा जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या आता है, सलाइवा. तो सलाइवेशन क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये सीखना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो जैसे ही खाना देखते हैं सलाइवेशन होती है. तो खाना जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, और जो सलाइवा आना है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है. फिर आता है कंडीशन स्टिमुलस क्या है. अब कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पे था कि जब खाने से पहले कोई पर्सन खाना लेके आ रहा है, उस पर्सन को देख के अगर आपको सलाइवा आता है तो वो कंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि वो आपने सीखा नहीं था पहले से, ऑटोमेटिक नहीं था, वो सीखा है बाद में. पहले तो आपको जैसे यहाँ डॉग है, उसको पहले तो लैब असिस्टेंट को देख के सलाइवा नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो सीख गया कि लैब असिस्टेंट आ रहा है तो खाना लेके आ रहा होगा, तो वो उसको देख के भी सलाइवा आने लग गया उसके मुंह में. तो लैब असिस्टेंट यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस हो गया, क्योंकि वो सीखा है वहाँ पे. सो पेवलोव डिटरमाइंड दैट ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस कुड बिकम एसोसिएटेड. अगर कोई भी स्टिमुलस जिसको हम अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ देते हैं तो वो एक कंडीशन स्टिमुलस बन सकता है, इफ़ इट इज़ पेयर्ड विद अनकंडीशन स्टिमुलस ऑफन इनफ. इन हिज ओरिजिनल स्टडी द साइट ऑफ फूड डिश इट्सेल्फ बिकेम अ स्टिमुलस फॉर सलाइवेशन बिफोर द फूड वॉज गिवन. तो इनकी स्टडी में क्या था, वो खाने का बोल देख के ही उनको सलाइवा आ रहा था डॉग को, तो उस बोल को या उस डिश को इन्होंने बोल दिया कि कंडीशन स्टिमुलस है, जिसको देख के पहले ही उनके मुँह में सलाइवा आने लग गया, खाना आए बिना ही उससे पहले ही. सो एवरी टाइम दे गॉट फूड दे सॉ द डिश, क्योंकि वो हमेशा खाने के साथ वो बोल तो देखते ही थे, डिश तो देखते ही थे, तो वो दोनों जब साथ साथ आते थे तो एक तो अनकंडीशनल स्टिमुलस था ही, उसके साथ वाली चीज़ कंडीशन स्टिमुलस हो गई कि ये इसके साथ आएगा हमेशा, तो मतलब एक चीज़ आएगी तो खाना आएगा ही आएगा. एट दिस पॉइंट द डिश वॉज कॉल्ड न्यूट्रल स्टिमुलस. जब तक उस डिश का कोई इफेक्ट नहीं था डॉग्स पे, तब तक तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो हर बार खाने के साथ उस डिश को देखते थे या उस प्लेट को बोल को देखते थे, तो वो धीरे धीरे ये समझ गए कि बोल आने का मतलब खाना भी आएगा, तो फिर वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया. सो व्हेन प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस
through repeated pairing and unconditional stimulus begin to cause some kind of reflexes response learning. तो ये learning हो गई उनको कि वो जो दूसरा साथ में चीज आ रही है वो condition stimulus है, तो वो आएगा तो मतलब खाना भी आएगा. कंडीशन स्टिमुलस आएगा दैट मीन्स अनकंडीशन स्टिमुलस भी आएगा, तो दोनों का रिस्पॉन्स सलाइवा होने लग गया था. फिर आता है कंडीशन रिस्पॉन्स. अब कंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब है जब कंडीशन स्टिमुलस को देख के सलाइवा आना शुरू हो गया तो उसको इन्होंने नाम दे दिया कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि वो सीखा हुआ रिस्पॉन्स था, नेचुरल नहीं था. नेचुरली क्या होता है, फूड को जब हम देखते हैं, नेचुरली फूड को जब हम देखते हैं तब सलाइवा आना चाहिए मुँह में. तो ये तो नेचुरल हो गया, तो दोनों अनकंडीशन हो गए, मतलब सीखे नहीं हुए हैं, ऑटोमेटिकली होता है. लेकिन अगर फूड की प्लेट को देख के सलाइवा आ रहा है तो ये सीखी हुई चीज़ है ये, क्योंकि ये सीखा है देख देख के उनको पता चला है. तो ये दोनों ही अनकंडीशन हो, वो कंडीशन हो गए, सीखे हुए, लर्न हो गए. तो ये ऊपर के दोनों क्या हो गए, फूड और स्टिमुलस क्या हो गया, अनकंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन रिस्पॉन्स. और जो खाने की डिश है, जो प्लेट है, वो और सलाइवा क्या हो गया, अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स. तो ये चार चीज़ें याद रखनी है, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स. So Pavlov did a classic experiment in which he paired a ticking sound of a metronome, a simple device that produces a rhythmic ticking sound, with the presentation of food to see if the dogs would eventually salivate at the sound of the metronome. तो इन्होंने क्या किया, अपना condition stimulus change करने की कोशिश की. कि जब भी उन्होंने क्या करते थे, पहले bell बजाते थे, metronome एक तरह की bell है, तो bell बजता था तो खाना आता था. तो मतलब यहाँ पे बेल हो गया कंडीशन स्टिमुलस और खाना अनकंडीशन स्टिमुलस. तो इन दोनों को पेयर करके देखा कि क्या अगर मैं बेल बजाऊंगा तो कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा. सो सिंस द मेट्रोनोम स्टिकिंग डिड नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस सेलिवेशन, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था कि बेल की आवाज़ सुन के सेलिवेशन हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई लर्निंग हुई नहीं थी, तो बेल बजती थी, फूड आता था, तभी सेलिवेशन होती थी. लेकिन धीरे धीरे जब बेल के साथ साथ फूड आना शुरू हुआ तो ये चीज़ उनको लर्न हो गई, एक्विजिशन हो गया, लर्न हो गया कि जब भी बेल बजेगी तब फूड आएगा. तो दैट मीन्स जब भी बेल बजी तभी सलाइवा आना शुरू हो गया, तो फिर वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया, जो बेल थी ना वो कंडीशन स्टिमुलस बन गई. कंडीशन रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स आर वेरी सिमिलर सेलिवेशन. तो सेलिवेशन क्या है, दोनों ही है, वो कंडीशन रिस्पॉन्स भी है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी है. अगर वो कंडीशन स्टिमुलस को देख के आता है तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, अगर वो अनकंडीशन स्टिमुलस को देख के आता है तो वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया. एंड अनकंडीशन स्टिमुलस इज ऑलवेज फॉलोड बाय अनकंडीशन रिस्पॉन्स. तो ये दोनों क्या होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस को देख के अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है, यानी कि खाना को देख के सलाइवा आता है, और कंडीशन स्टिमुलस को देख के कंडीशन रिस्पॉन्स आता है. मतलब बेल जब बजती है तो भी सलाइवा आता है, जिसको कंडीशन रिस्पॉन्स बोलते हैं. सो इसमें ये लिखा हुआ है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग. ये बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग है, ये डेली लाइफ में हमारे साथ होती है, जो कि हम जिससे अवेयर भी नहीं होते. जैसे सपोज आप कहीं टीवी में आप अपना फेवरेट फूड देख लेते हो तो आपके माउथ में सलाइवा वाटर आता है, तो वो भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग है. अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, वहाँ पे आप उसकी ड्रिल की आवाज़ सुनते हो तो आपको अंदर से घबराहट होती है, तो वो भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्योंकि आप वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हो पहले. तो ये सारी चीज़ें मोस्टली हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से होते हैं, जो हमें अवेयरनेस भी नहीं होती जिसकी. मतलब हमें एक्चुअली में पेन होने से पहले हमें किसी चीज़ की आवाज़ सुन के जब डर लगने लग जाता है तो इसका मतलब हमें कंडीशन स्टिमुलस से रिस्पॉन्स आ रहा है, ना कि नेचुरली जो आना चाहिए. पेवलोव एंड हिज फॉलोअर्स फेलो रिसर्चर्स डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे डॉग के साथ, जिसमें मेट्रोनोम, विस्लिंग, सीटी बजा के भी चेक करा, ट्यूनिंग फोक्स भी लिए थे, जो अब फोक टाइप की चीज़ होती है जिसको ऐसे मारते हैं तो वो आवाज़ करती है. तो अलग अलग चीज़ों से, बेल के साथ, बहुत सारी चीज़ों से ये स्टडी करी थी.
तो यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बेसिक समझाए हैं जो होने चाहिए हमेशा, वो ये है कि जो आपका कंडीशन कंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है जो डिश है या बेल है समझ लो जो, वो मस्ट कम बिफोर अनकंडीशन स्टिमुलस, वो हमेशा अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले आना चाहिए। कंडीशन स्टिमुलस मतलब जो बेल है हमेशा खाना आने से पहले आनी बजनी चाहिए बेल, तभी उनको ये चीज़ याद होगी कि जब भी बेल बजेगी तब खाना आएगा। तो कंडीशन स्टिमुलस मस्ट कम बिफोर फूड, अनकंडीशन स्टिमुलस। फिर दूसरी चीज़ है द कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस मस्ट कम वेरी क्लोज टुगेदर, और इन दोनों का टाइम बहुत कम होना चाहिए। जैसे ही बेल बजी उसके 5 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड का टाइम है, उसके अंदर खाना आना चाहिए, तभी वो चीज़ उसको याद होगी कि बेल बजने से खाना आएगा। अगर टाइम का गैप बढ़ गया, बेल बजाने के 5 सेकेंड तक खाना नहीं आया, उससे बाद में आया, तो वो लर्निंग नहीं होगी उसको। सो यहाँ पे 5 सेकेंड का गैप सिर्फ होना चाहिए। तो इस गैप को हम बोलते हैं इंटर स्टिमुलस इंटरवल, ISI, दोनों स्टिमुलस के बीच का गैप, इंटर स्टिमुलस इंटरवल। तीसरी चीज है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, जैसे बेल पहले तो न्यूट्रल स्टिमुलस ही थी ना जब तक उनको लर्निंग नहीं हुई थी, बाद में वो कंडीशन स्टिमुलस बनी थी। तो न्यूट्रल स्टिमुलस मस्ट बी पेयर्ड विद अनकंडीशन स्टिमुलस सेवरल टाइम, आपको बार बार उसको फूड के साथ पेयर करना पड़ेगा। पेयर मतलब जब बेल बजे तभी फूड आए, दोनों चीज़ों को एक साथ बार बार करना पड़ेगा उसको लर्न कराने के लिए कि ये इसके साथ ही है। तो ये चीज़ बार बार करनी पड़ेगी, सेवरल टाइम। और चौथा है द कंडीशन स्टिमुलस इज यूजली सम स्टिमुलस दैट इज डिस्टिंक्टिव, मतलब जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है, जो आपका बेल है, जो न्यूट्रल स्टिमुलस है जिसको आप कंडीशन बनाना चाहते हो, वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। कोई कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो नॉर्मली लैब में नहीं है, कुछ अलग से, मतलब ऐसा ना हो कि आपकी लैब में जो डोर बेल लगी है वो भी सेम वैसी है जैसा आपका स्टिमुलस वाली बेल है। इसकी आवाज़ नॉर्मल चीज़ों से अलग होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि उसी की आवाज़ से हो रहा है। तो ये 4 प्रिंसिपल उन्होंने बेसिक बोले थे कि अगर आप ऐसे करोगे तभी कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग होगी, अगर ऐसे नहीं होता है तो नहीं होगी। तो ये डायग्राम एक बार देख लेते हैं। तो पहले क्या था, ये जो मेट्रोनोम है या फिर जो बेल है समझ लो, हम बेल से याद कर लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी है। जो बेल जब बजाई तो क्या हुआ, कोई सेलिवेशन नहीं हुआ, उसके मुँह में क्यों आएगा सलाइवा, बेल तो उसने खानी नहीं है, तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस था। दूसरी बार उसने क्या किया, मतलब काफ़ी टाइम बाद, पहले तो बेल बजा 4-5 बार ऐसा किया, बेल बजाई और सलाइवा नहीं हुआ, फिर बेल बजाई उसके साथ में खाना दिया 5 सेकंड के अंदर, तो उसके मुंह में सलाइवा हुआ, लेकिन इस टाइम सलाइवा किसको देख के हो रहा था, खाने को देख के, बेल की वजह से नहीं। तो ये अभी भी न्यूट्रल स्टिमुलस ही है। ऐसे इन्होंने कम से कम 15-20-25 बार उतनी बार किया जब तक कि इसको लर्निंग नहीं हो जाती कि जब भी बेल बजेगी तब खाना आएगा। तो यहाँ पे क्या था, इसको देख के कोई रिस्पॉन्स नहीं आया लेकिन खाने को देख के आ रहा था, तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस था, ये तो अनकंडीशन स्टिमुलस है ही जिसकी वजह से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता ही है, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। फिर जब ऐसा बहुत बार ही हुआ तो उन्होंने ये देखा कि बेल बजाने के बाद ही सलाइवा आने लग गया, तो दैट मीन्स यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस में बदल गया। अब क्या था, फूड चाहे आए ना आए, बेल बजते ही उसके मुंह में सलाइवा आने लग गया, क्योंकि उसको ये लग गया कि फूड बेल बजी है तो खाना भी आएगा। तो ये अब बन गया कंडीशन स्टिमुलस, और ये जो रिस्पांस था ये बन गया कंडीशन रिस्पांस, क्योंकि ये अब उसने लर्न करा है, ये रिस्पांस लर्निंग के बाद आया है कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो उसके मुँह में सलाइवा आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स थे 4, वो यही बोल रहे थे कि हमेशा कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन से पहले आना चाहिए, बाद में आएगा तो वो लर्न नहीं करेगा, पहले। दोनों का टाइम गैप सिर्फ 5 सेकेंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, और ये बहुत बार ही करना पड़ेगा, सेवरल टाइम्स इसको लर्न कराने के लिए। और जो आवाज़ है बेल की वो नॉर्मल आवाज़ों से अलग डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ गिरा उसकी आवाज़ से भी उसको सलाइवा आ रहा है, तो फिर तो आपकी स्टडी ख़राब हो जाएगी। तो ये आवाज़ डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, नॉर्मल डेली रूटीन वाली आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।